गुमला के चांदनी चौक स्थित सामो लॉन्च के मालिक मोहम्मद मंसूर आलम की शनिवार को संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद मंसूर आलम शनिवार को गढ़वा से गुमला पहुंचे थे। इसी दौरान पटेल चौक के पास अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मोहम्मद मंसूर आलम को जहर देकर मारा गया है। सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में उनको उल्टी कराया गया है। परिजनों ने कहा कि मंसूर आलम व्यापारी हैं और उनके पास हमेशा लाखों रुपया उनका बैग में रहता था, लेकिन घटना के बाद उनके बैग में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हाँ, मंसूर आलम का पोस्टमार्टम हुआ है। उसका 10 विसरा को काट करके जार में भर के फॉरेंसिक लेबोरेटरी रांची भेजा गया है। उसका रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक कुछ भी करना मुश्किल है। रिपोर्ट आएगा तभी बताया जा सकता है। जैसे कि अभी हम लोग को पता चला फोन के माध्यम से कि 11:30 बजे इनको पटेल चौक के पास देखा गया। इनकी तबीयत बहुत खराब थी और किसी के सहारे इनको लाया गया, ऑटो में बैठा के सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में वोमिटिंग कराया गया। वोमिटिंग कराने से पता चला कि इनको पॉइजन दिया गया था। अब ये स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा है, हम लोग आधिकारिक तौर पर नहीं बता सकते हैं कि ये खुद से खाएं या इनको खिलाया गया, लेकिन परिवार वालों का आरोप है ऐसा। और हम लोग को भी देखने से लग रहा है कि इनको कोई पॉइजन दिया है, क्योंकि इनके पास हमेशा 5 से 7 लाख रहता था और ये गैलेचुन के व्यापारी हैं। वर्तमान में अभी जो है इनका आने के बाद हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या घटना, सच्चाई क्या है इस पूरे घटनाक्रम में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मिनहाजुद्दीन। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।